मैं थोड़े मना करने के बावजूद डैडी जी नू दस बैठी वो देसी हकीम लेके आया। आओ जी हकीम साहब आओ। बेटे चिंता नहीं करनी, हकीम साहब सब ठीक कर देंगे। हाँ मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ। पहला सब जनानियां नू बाहर कर दियो। इत्थे दस जनानियां खड़ियां, लै दे के एक तो जनानी है, पर जेड़ी भी हैगी इहनू बाहर कढ़ो, क्योंकि लाज बड़ा टेढ़ा, ये तो देखिया नहीं जाना। तुसी हौसला रखियो, सब ठीक हो जूगा। हाँ हुण मेरी गल सुनो, मैनू तुसी ए दसो भी तुहाडे कोल मरीज केड़ा। बेटे दिल ना छड़ो, हकीम साहब ने बड़िया बड़िया बीमारियां ठीक कीतियां। टिल्लो साहब गोल्डी ने देसी इलाज नाल ठीक नहीं होना, तू ठीक नहीं होना। हां ठीक नहीं होना। ओहो बुगे घबराने क्यों, मन्निया इलाज थोड़ा टेढ़ा, भावे तुहाडे तो देखिया नहीं जाना, पर मैं करांगा गारंटी ना। देखो तारे पामे तोटे थे, पर लत्ता मिल्खा सो वांगू भजणगियां भजणगियां, फिर मैनू उलामा नहीं देना कि ओवर स्पीड करके लत्ता ना चलान कटिया गया। ओ हकीम साहब की ट्रैफिक रूल जे समझाई जाने हो, जड़ा काम करना है करो। हां आ देखो महसूस हो रहा? नहीं नहीं हो रहा। नहीं हुण ना, बिल्कुल भी नहीं। जमा नहीं होया। ना ना हकीम साहब हाथ ता पायो, जो बीमारी समझ आ नहीं तो कोरा जवाब दे दो, थोड़ी पेमेंट हो जूगी है ना। हाँ मैं सब समझ गया, एक ता टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, जय जी कच्चा होवे ता दंदा थले जीव दबा के बैठ जाना, ते जदो महसूस होया ता बोल के दसना, ठीक है? महसूस होया? ना ना ए हुण महसूस होया? महसूस नहीं हो रहा, फिर चीख क्यों मारी? सटी लगी, सटी लगी, देख के चीख निकल गई। कनेडा नहीं जान दिंदा, इहनू तां मैं इत्थे ठीक करूंगा। हुण होया महसूस? अच्छा सचियों खड़ा देनी है। की मतलब? वो मतलब लता टेंपरेरी खड़िया ने, जेड़े हिसाब नाल सारा डांगा मार रहे ने, परमानेंट खड़ा देनिया ने, जलाद ना होवे तां। ओ माइनू जलाद क्या? ओ असे खानदानी हकीम हुन्ने आ। तेनू क्या सी 6 बजे तो पिछो घरे नहीं वड़ना, पर तू 7:30 दी खबर मिट पा दिया। ओ बेबे मैं ता 5 बजे वेला हो गया सी, मुड़ के मेनू किराया चेते आ गया। हाँ। ते मैं एक गाहक तो पैसे लेने सी, ओनू लभदा लभदा 2.5 घंटे लेट हो गया। या फिर पैसे? नहीं पैसे तो नहीं दिते, हौसला जिहा दे के तोड़ता, कहिंदा पैसे 2-4 दिन तक फल। ओए तेनू हौसला दिता ना? हां मैं तोड़िया तेरा हौसला, कन्न खोल के सुन ले, जे किराया ना दिता तो सवेरे ड्यूटी दे जान तो पहला ते ड्यूटी तो आके पिछो सारा घर दा काम करना। बे उठ ला, फटावे मैंने मेरी डांग। डांग दी लोड़ नहीं। फिर हां काम कर लूं। जा जागदा की है पाइंदी या बुढ़ी होए।
ओए हुन तक तेरे तो आटा नहीं गुनिया गया, जा छेती चूल्हे ते रोटी ला। ओए मुंडिया मेरा किराया कित्थे है? मैनू नहीं लगता बीबी जी मैं इतने बहुते दिन कटूंगा, पर जिन्ने दिन भी कटूंगा मैं तुहाडा किराया दे के जाऊंगा। पर तुहानू वास्ता ही बाबे कुप्पियां वाले दा, मैनू उस बेबे तो बचा लो। वो 150 केसां विचों 140 केसां दा मौके ते निपटारा कर रहे वकील तो नौकर ने पसाता जी। उत्तों बेबे ने प्यार ही बड़ा दिता, दसन का मौका ही नहीं मिलिया, नहीं तो मैं अपनी भूआ दे घर रहना सी, वो भी फ्री च। तेरी भूआ इस शहर च रहिंदी है? केड़ी जगह? व्याई तो फुफड़ नाल सी जी, पर हुण पता नहीं किहदे नाल रहिंदी है। एक मिनट मेरे को तो बस हाँ, मेरे को तो जी स्लिप जी है। विखा ए ते साडे बुजुर्गां दा नाम है, वे केड़े पिंडू है तू जी? पंज ग्राई। ओ ते मेरा पिंड है, किन्ना दा मुंडा है जी? मैं प्रीतम सिंह पटवारी दा मुंडा है। ओहो पहला क्यों नहीं बोलिया? इस घर विच बंदियां नूं बोलण दा मौका कित्थे मिलदा, नाल फेसबुक राही तां गल्लां हुंदियां। हुण तैनूं फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं, तू इत्थे ही रहेगा, ओ भी फ्री। जे कोई कुछ कहे ते कह दई कि मैं आ तेरी भूआ। यस भूआ 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 मिल गई ओ है, भूआ लव यू। इश करो मित्रा तेनू घर बैठे नू पक्कियां पकाईयां रोटियां, आ खेलन नू दो जवाक, ना होर तू की पाल दा? ओ वाओ लै फिर सुन, नी किन्नी ही आम गई परी तो केड़ा व्याह करवावे, आटा दाल ते गंदे महंगे तड़का केड़ा लावे, कले सौन दी मौज बड़ी है मंजे केड़ा डावे, ओ जिंद मेरी नू मौज बड़ी है, ओ जिंद मेरी नू मौज बड़ी है, ना कोई फिक्र ना फाका नी वेड़े छड़ियां दे, ना गुड्डी ना काका नी वेड़े छड़ियां दे, ना गुड्डी ना काका नी वेड़े छड़ियां दे। खड़ जा तू, नहीं जा मैं बोलनी तो बोलनी की लक्षण फड़े ने नी कुड़ियो की हड़ हड़ लाई है, संग करया करो कुछ। साहब मेरे केस दा की बनया? जो बाकियां दा एदा मतलब मेरे केस दा भी कुछ नहीं बनना? ओ नहीं छदाईया तेरे को पैसा पूरा कोई हैगा, एवें थोड़ी को मसले हल हुंदे। हां जे को जेब च हाथ मारा है। मैं ता वकील साहब गरीब जा बंदा है जी, या ही चक्की फिरदा। चल कोई गल मसले हल करदे, निकल जा ओए तेतर हो जाओ मिंटो पहला। ओए आ जवाना इधर, की गवाची गांव वांगू लब्भी जाना जी? मैं दरअसल ना इत्थे एक्चुअली तू सही बंदे कोल आया, 150 केसां विचों 140 केसां दा मौके ते निपटारा कीता। दास नु एडवोकेट बूटा सिंह कहंदे आ। कौन कहंदा है? कमाल दी गल, ओ तुहाडे सामने खड़े बंदे दे पूरे कचहरी दी चर्चे ने। किस चीज दे ने तेरे चर्चे? ओ यार हुणे ते 150 केसां वाली चवल मार्केट है भाई, 150 केसां विचों 140 केसां दा मौके ते निपटारा कराता। जीदो करवाया? ओ यार तू बंदा कि 9 तारीख तू समझ लगन नहीं, क्यों लोकां नु तंग परेशान करन लग्या तू? है वकील साहब ध्यान ना, मैनू एडवोकेट बूटा सिंह कहंदे। ओ कहे जा बूटा हो तू, तेरी तां दुकान दीआं भी जड़ां नहीं लगियां, ओ वी स्कूटर ते लई फिरदा है। बूटा सिंह है इह। वकील साहब ध्यान ना, तुसी मेरे क्लाइंट सामने मेरी बेइज्जती ना करो, मैं मानहानी दा केस करूंगा, ओ भी कोर्ट च। ओ हानि तां उहनां दी हुंदी जिहदा पहलां कोई मान सम्मान हो, तेरी कदी हानि होगी? ओ नाले मैं तेरा क्लाइंट कदों आ? हां ओ मैं तां किसे खंगूड़ा वकील नूं मिलण आया सी। लै ओ भाई साहब मैनू ही खंगूड़ा कहंदे ने, चलो चलिए, इहदे चवल दे मूंह क्यों लगणा? कोई गल नहीं कंगूड़े, तेनू दिने कहते हैं पुत पंगूड़े।